दोस्तों फर्स्ट टाइम यमहा XSR 155 को इंडिया में यमुना एक्सप्रेसवे पे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या कुछ नया अपडेट है, कब ये बाइक लॉन्च हो सकती है और क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, इंजन कितनी सीसी का आपको मिलने वाला है। और ये जो है फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर पहला मेरा वीडियो होने वाला है जो रियल अपडेट रियल नोटिफिकेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दोस्तों। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ, इसका जो इमेज निकल कर सामने आ रहा है ऐसा ही ठीक इमेज 2019 में इंडोनेशियन ऑटो मैगजीन में दिखाया गया था। आपको इसमें जो इमेज निकल कर आया है उसमें भी सेम आपको सिमिलर एलॉय व्हील देखने को मिल जा रहा है और फ्रंट सस्पेंशन में भी सेम ऐसे ही मैगजीन में दिखाया गया था और इसमें ओवरऑल इंजन यूनिट भी सिमिलर मिलता जुलता है। तो एक उम्मीद लगा सकते हैं कि यमहा XSR 250 को बिल्डअप कर रही है। इसके जो XSR सीरीज है इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं, जैसे 700 cc का, 900 cc का, काफ़ी सारे वेरिएंट है। तो इसी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यमहा XSR 250 को लॉन्च करने वाली इंडिया में जो बजाज डोमिनार को रिवेल कर सके और यमहा XSR 155 शायद बाद में लॉन्च होगी या ना भी लॉन्च हो सकती है। बट जो इसका बॉडी देख के ऐसा लगता है कि ये यमहा की XSR 250 होने वाली है। इस बाइक में आपको राइडिंग पोजीशन काफ़ी बेहतरीन मिलने वाला है क्योंकि इसका जो राइडिंग पोजीशन है वो काफ़ी रिलैक्सिंग पोजीशन पे एफोर्डेबल कुशनिंग के साथ दिया गया है और इसमें आपको काफ़ी लंबा सीट देखने को भी मिल जाता है। और इसके पेट्रोल टैंक को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये बाइक बिल्डअप हो रही है हाईवे क्रूजर के लिए। और अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 250 cc का इंजन देखने को मिलने वाला है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूँ, यमहा FZ25 जो है इंडिया में फरवरी 2021 में 0 यूनिट सेल हुए हैं। तो यही देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यमहा अपने 250 cc में अच्छी सेल करना चाह रही है, इसलिए यमहा XSR 250 को लॉन्च करने वाली है क्योंकि इनका जो उम्मीद था, एक्सपेक्टेशन था यमहा FZ25 से, वैसा उम्मीद इनको नहीं मिल पा रहा क्योंकि फरवरी मंथ में इनका 0 यूनिट सेल हुआ, एक भी यूनिट सेल नहीं हुआ। तो अगर यहीं पे अगर यमहा XSR 250 को लॉन्च करती है तो इनके 250 cc में अच्छी पकड़ हो जाएगी, इनका अच्छा सेल काउंट भी आ जाएगा। तो इंजन यहाँ पे आपको यमहा FZ25 का ही इसमें देखने को मिलने वाला है जो 21 PS का पावर जनरेट कर देगी और 20 Nm का टॉर्क जनरेट कर देगी। इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स भी देखने को मिलेगा और इसमें आपको ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो डुअल चैनल ABS आपको देखने को मिल जाता है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको डिजिटली यूनिट देखने को मिलेगा। और वहीं सस्पेंशन में आपको फ्रंट में इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलेगा और रियर में मोनोक्सोक सस्पेंशन को यूज किया गया है। और भी इसमें कई सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं और अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो ये यमहा की FZ25 से सिमिलर इसका प्राइस होने वाला है। इसका एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो 1,60,000 के आसपास होने वाला है। दोस्तों अगर लॉन्चिंग की बात करें कि यमहा XSR 250 इंडिया में कब लॉन्च हो सकती है तो आप एक अनुमान लगा कर चलिए कि 3 से 4 महीने का अभी भी वक्त लग सकता है, मतलब ये अगस्त से दिसंबर तक इस साल ये बाइक यमहा XSR 250 इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। तो जिनको भी उम्मीद था, काफ़ी सारे लोगों को उम्मीद था, जैसे मुझे भी उम्मीद था कि यमहा XSR 155 कब लॉन्च होगी, बट यमहा XSR 155 के बदले में यमहा XSR 250 इंडिया में लॉन्च होगी इस साल के एंड तक। तो ऐसे ही जेन्युइन अपडेट और रियल अपडेट नहीं रियल नोटिफिकेशन के साथ सबसे पहले मेरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।